असलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगी। तो 1 से 12 तक कम्प्लीट है, जैसे मैं पहले के लिख चुकी हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक बॉक्स स्किप करके आपने नेक्स्ट बॉक्स में आना है और यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है। 4 तक काम लिखने के बाद आपने क्या करना है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो फे काफ है वो नीचे से बिल्कुल नून की तरह होगी और ऊपर से जैसे फे का पार्ट था और वाव का पार्ट था एग्जैक्टली वैसे ही होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 7 के बॉक्स में आते हैं और 7 के बिल्कुल मिड में आप इस तरह यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट हम लोग 9 के बॉक्स में आएंगे और 9 के बिल्कुल यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर 10 के बॉक्स में आएंगे तो 10 के यहाँ क्वार्टर पर मार्क करेंगे। फिर हम लोग आते हैं 11 की तरफ से, यहाँ पे 11 के और यहाँ पे 2 के बॉक्स में आप यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, फिर 2 के बॉक्स में रहते हुए आप इसके यहाँ पे ना बिल्कुल साइड पर ना बिल्कुल क्वार्टर में यहाँ पे आप मार्क करेंगे। फिर 3 के बॉक्स में रहते हुए ये सारा आपने 11 के बॉक्स में रहते हुए करना है, 11 के बॉक्स में और यहाँ पे 3 के बॉक्स में, तो आप यहाँ क्वार्टर में मार्क करेंगे। इसके बाद हमने यह करना है कि 3 के बॉक्स में रहते हुए बिल्कुल इसके इक्वली आप यहाँ क्वार्टर में मार्क करेंगे। अब हम जाते हैं 4 के बॉक्स में, यहाँ से 4 के बॉक्स में और यहाँ पे 10 के बॉक्स में आप यहाँ क्वार्टर में मार्क करेंगे और यहाँ पे 10 के बॉक्स में रहते हुए और यहाँ से 4 के बॉक्स में रहते हुए आप यहाँ पे लास्ट के मिड में मार्क करेंगे, लास्ट पे मार्क करेंगे। इसके बाद आपने यह करना है, अब इन लाइन्स को पहले मैच करते हैं फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ से आप राउंड शेप देंगे। ये पार्ट नीचे से, यहाँ लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर अंदर की साइड पर आएंगे, 10 के बॉक्स में रहते हुए यहाँ से 4 के बॉक्स में आप बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर आपने मार्क किया था वैसे आपने मार्क करना है, ना बिल्कुल साइड पर ना बिल्कुल क्वार्टर पर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 के बॉक्स में आएंगे और यहाँ से 11 के बॉक्स में, तो आप नीचे के साइड पर थोड़ा सा मिड में मार्क करेंगे। ठीक है, फिर 10 के बॉक्स में और यहाँ पर 2 के बॉक्स में, तो आप यहाँ पर क्वार्टर पर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 के बॉक्स में रहते हुए अगेन क्वार्टर पर मार्क करेंगे और 10 के बॉक्स में आप बिल्कुल लास्ट पर मार्क करेंगे। अब इस लाइन को भी हम मैच कर लेते हैं। इसके बाद आपने यह करना है कि 9 के बॉक्स में रहते हुए आपने एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पर मिड में मार्क करना है, यहाँ के 3 के बॉक्स में और यहाँ पे 9 के बॉक्स में। ठीक है, फिर आपने 3 के बॉक्स में रहते हुए यहाँ पे 9 के बॉक्स में आपने यहाँ क्वार्टर पे मार्क करना है। फिर आप 8 के बॉक्स में और यहाँ पे 3 के बॉक्स में अगेन क्वार्टर मिड में मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे 8 के बॉक्स में और यहाँ पे 2 के बॉक्स में आप क्वार्टर पे मार्क करेंगे और यहाँ से 7 के बॉक्स में और यहाँ पे 1 के बॉक्स में आप क्वार्टर पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। फिर आप यह करना है कि यहाँ पर 8 के बॉक्स में आकर यहाँ पे मिड में और अगेन मिड में मार्क करना है, ये 2 स्ट्रेट लाइन लगकर और यहाँ से राउंड शेप, और उसके ऊपर जब आप 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये फिर आपका काफ हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से बिल्कुल इसका पार्ट वाओ और काफ फेक ये बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन जो नीचे से है ये इसकी राउंड शेप ये बिल्कुल नून की तरह होती है, तो ये आपका काफ हो गया।